सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल स्कूलिंग क्लासेस। स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आदेश दिशा निर्देश जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है जिसमें लिखा हुआ है लिखित में लाना होगा 33% अंक। मतलब आप लोगों को जो थ्योरी क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। स्टूडेंट देखिए ये खबर कहाँ से छपी है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भिलाई दुर्ग भास्कर में, ये देखिए बुधवार मार्च 2021 की खबर है, इसके सेकेंड पेज में है। क्या क्या दिया है सभी डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। स्टूडेंट, मैं बोर्ड का जितना भी सैंपल पेपर है क्लास टेंथ का सभी को अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। स्टूडेंट आप जाकर वहां पे सैंपल पेपर ले सकते हैं, ठीक है, और देखकर लिख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए क्या छपा हुआ है इसमें, बोर्ड में इस बार असाइनमेंट लिखित परीक्षा में पास होना जरूरी। स्टूडेंट आप लोगों को असाइनमेंट और लिखित परीक्षा दोनों में पास होना जरूरी है। और क्या दिया हुआ है इसमें देखिए, लिखा है यहाँ पे दसवीं प्रत्येक विषय 75 अंक के होंगे, इसमें 70% अंक लिखित परीक्षा का निकाला जाएगा, 3 सर्वोत्तम असाइनमेंट का 30% अंक और प्रैक्टिकल या प्रायोजना के 25 अंक में से जितने अंक विद्यार्थी लेगा वह जुड़ेगा। इस तरह तीनों प्राप्तांक मिलाकर विद्यार्थी के अंकों की गणना की जाएगी, इसके आधार पर स्टूडेंट के परीक्षा परिणाम जारी होंगे। बारहवीं का क्या है देखिए, बारहवीं में प्रत्येक सब्जेक्ट 80 नंबर के होंगे, इसमें जिस विषय की लिखित परीक्षा होगी उसमें 80% प्राप्तांक लिया जाएगा, 3 सर्वोत्तम असाइनमेंट का 30% अंक लेंगे, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी विषय की प्रायोजना का 20 अंक प्राप्तांक में जुड़ेगा। इस तरह तीनों प्राप्तांक मिलाकर विद्यार्थी के अंकों की गणना की जाएगी। स्टूडेंट एक और है यहाँ पे, साइंस के विषय में ऐसे मिलेंगे नंबर। अब कैसे मिलेंगे साइंस में देखिए, यहाँ लिखा है बारहवीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी में लिखित परीक्षा 70 अंकों की होगी, इसमें से 70% अंक लिए जाएंगे, 3 सर्वोत्तम असाइनमेंट के 30% और प्रायोगिक या प्रायोजना के 30 पूर्णांक में से पूर्णांक को प्राप्तांक कर मिलाकर आपको दिए जाएंगे। देखिए स्टूडेंट एक और जरूरी सूचना क्या है इसमें, सभी जरूरी सूचना को मैं पढ़ देने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या क्या है। विद्यार्थियों को हर विषय के असाइनमेंट देना होगा, आप लोगों को सभी असाइनमेंट के को देना होगा, सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट को देना होगा। विद्यार्थियों को अच्छे अंक लाने के लिए जिसको भी अच्छे अंक लाना है कि असाइनमेंट को पूरा पूरा विषय, सभी विषयों का असाइनमेंट को पूरा पूरा जमा करना होगा। बोर्ड के निर्देशानुसार 6 विषयों के 6 असाइनमेंट जमा होंगे, इनमें से बोर्ड तय करेगा कि सबसे 3 अच्छे असाइनमेंट कौन से हैं, इन विषयों के असाइनमेंट की जाँच के अंक दिए जाएंगे। स्टूडेंट सभी विषयों के असाइनमेंट मैं फरवरी मंथ का आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग मेरे चैनल से जाके प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट खबर क्या है, जिन बच्चों को ये नहीं पता होगा बता देना चाहता हूँ, 10 मार्च तक असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य। देखिए स्टूडेंट बहुत ही बड़ा खबर है, अगर आप लोग अभी तक असाइनमेंट नहीं लिखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक जाकर ले सकते हैं और असाइनमेंट लिख सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि 10 मार्च तक असाइनमेंट जमा करना जरूरी है, इसके बाद असाइनमेंट जमा नहीं होंगे होने पर बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी पास नहीं हो पाएंगे। अगर आपका असाइनमेंट जमा नहीं होता है तो आप बोर्ड परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे, इसे लेकर सभी स्कूलों में जानकारी पहले से प्रेषित कर दी गई है। निजी स्कूलों के प्रचारों को भी अलग से बैठक करके जानकारी दे चुकी है। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से असाइनमेंट लिखना और असाइनमेंट 10 तारीख तक कंप्लीट करके जमा कर देना है, ठीक है। स्टूडेंट ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ मैं आप लोगों को हमेशा देते रहता हूँ, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है स्टूडेंट। और मेरा जो मॉडल पेपर है वो मैं जारी कर दिया हूँ, आप जाकर लिख सकते हैं।